हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं वो साउथ अमेरिका का एक बेहद ही खूबसूरत देश है। बेहद ही डेवलप्ड देश, खूबसूरत लड़कियों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट एजुकेशन पर बहुत फोकस करती है। टॉप लेवल एजुकेशन और टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ मिलेंगी। इसी के साथ ये देश अपने नागरिकों को अधिकार भी देता है। यहाँ पर होमोसेक्सुअल वैलिड है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट की शर्तों के हिसाब से। यहाँ पर आपको लोगों से ज्यादा गायें देखने को मिलेगी। ऐसी बहुत सारी खास जानकारियां हैं इस देश के बारे में जो आगे हम आपको इस वीडियो में देंगे, और इसके साथ साथ खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस खास सफर की जो जा रहा है दक्षिण अमेरिका के एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है उरुग्वे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक देश। उरुग्वे का ऑफिशियल नाम ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे है। उरुग्वे अपना बॉर्डर पश्चिम में अर्जेंटीना, उत्तर में उत्तर पूर्व में ब्राजील और दक्षिण पूर्व में अटलांटिक महासागर से शेयर करता है। उरुग्वे में एजुकेशन और कामकाज की जो भाषा है वो स्पैनिश है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ हायर एजुकेशन के लिए आते हैं वो इसी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी आप इस देश में आए तो आपको स्पैनिश आनी चाहिए। दोस्तों, उरुग्वे 176,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसी के साथ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर में ये सूरीनाम के बाद दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश है। दोस्तों, मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी। अमेरिका का सबसे दक्षिणी राजधानी शहर भी है ये। मोंटेवीडियो देश के दक्षिणी तट पर है। रियो डी ला प्लाटा के उत्तर पूर्वी तट पर ये स्थित है। दक्षिण अमेरिका के इस छोटे से देश उरुग्वे के उत्तर में ब्राजील और पश्चिम में अर्जेंटीना है। ये एक समय स्पेन का एक पार्ट था जो बाद में ब्राजील का एक प्रांत बन गया। इस देश को सन 1825 में आजादी मिली, और आजाद होने के साथ ही उरुग्वे ने अपनी एजुकेशन पर बहुत फोकस किया। उरुग्वे में अच्छी क्वालिटी यानी हाई लेवल एजुकेशन देने वाले यूनिवर्सिटीज हैं। आप उनमें से किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर आकर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो। दोस्तों, आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस देश की चार यूनिवर्सिटी अमेरिका की सुपर्ब यूनिवर्सिटीज में से एक है। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत लविश है। ये देश बहुत ज्यादा पैसे वाला है। अक्सर देखा जाता है कि वही देश पैसे वाला होता है जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत होते हैं, लेकिन उरुग्वे के साथ ऐसा नहीं है। इस देश के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो कम है, लेकिन यहाँ की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है, जिसके चलते इन्होंने बहुत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, उरुग्वे में लंबे समय से रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं और उन्होंने इस बात को एक्सपीरियंस भी किया है कि यहाँ की लाइफ स्टाइल लैटिन अमेरिकी देशों में सबसे बेहतर है। अगर हम शहरीकरण की बात करें, सिविलाइजेशन की बात करें, तो इस मामले में उरुग्वे बहुत से देशों से आगे है। यहाँ की तकरीबन 80% से ज्यादा पॉपुलेशन शहरों में रहती है। हायर एजुकेशन हासिल करने वाले युवाओं की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसी के साथ आपको बता दें कि शहरों में रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल मॉडर्न है और वह जीवन के हर पल को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग उरुग्वे के बारे में ये नहीं जानते कि ये देश LGBTQ अधिकारों के मामले में सबसे आगे है। बेशक ये छोटा और सादा सा देश है, लेकिन ये एक सुपर समलैंगिक स्थान है। 1934 में उरुग्वे ने समलैंगिकता को वैधता दे दी थी। यहाँ पर समलैंगिक विवाह को वैलिड करार दिया गया है, और इसी के साथ प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल इन उरुग्वे फॉर एडल्ट इन ब्रदल्स विच आर रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। उरुग्वे में वैश्यावृत्ति को कानूनी हक मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तभी गवर्नमेंट उनको वैलिड करार देती है। और हाँ, यहाँ की लड़कियाँ बला की खूबसूरत होती है। इनकी अदाएं देख आप इन पर मर मिटेंगे। इसी के साथ दोस्तों, ये देश बहुत खास है, सिर्फ इसी के लिए नहीं बल्कि खूबसूरत नजारों के लिए भी। उरुग्वे में गायों की संख्या लोगों से 4 गुना ज्यादा है। दोस्तों, एग्रीकल्चर बेस्ड है ये कंट्री।
लेकिन एक सच और है इस देश का, वो ये है कि ये देश सबसे ज्यादा बीफ खाने वाला देश है। जी हाँ, यानी कि गाय का मांस। ये सबसे ज्यादा बीफ खाने वाला देश भी है और सबसे ज्यादा बीफ को बेचे जाने वाला देश भी है। इसी के साथ दोस्तों, इसकी राजधानी मोंटेवीडियो, जो टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन जगह है। मोंटेवीडियो उरुग्वे की राजधानी है और सभी में सबसे बड़ी भी। ये शहर सबसे ज्यादा फेमस हुआ 1930 में, जब यहाँ पहला फीफा विश्व कप खेला गया और इस देश ने इसकी मेजबानी की। मोंटेवीडियो शॉपिंग सेंटर, मकाडो डेल प्लूटो, विला बियाटिट्स मेला और बेहतरीन शॉपिंग के लिए ये जगह परफेक्ट है। आप ला पालोमो भी आ सकते हैं। ये प्रसिद्ध प्राचीन रिजॉर्ट अटलांटिक महासागर के तट पर है। ये खूबसूरत और बेहद ही अट्रैक्टिव समुद्र तट है। आप यहाँ पर बहुत सेफ फील करेंगे। महासागरों के विशाल पक्षियों को भी आप यहाँ देख सकेंगे। यहाँ तक कि ये सर्फिंग, नौकायन और विंड सर्फिंग के लिए भी जाना जाता है। यदि आप समुद्र का किनारा पसंद करते हैं तो आप यहाँ जरूर आइए। उरुग्वे में दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं दोस्तों, कोलोनिया डेल सेकामेंटो, जिसकी स्थापना 1680 में पुर्तगालियों द्वारा की गई। ये अपने ऐतिहासिक क्वार्टर्स के लिए जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है ये। ऐतिहासिक क्वार्टर भव्य पुराने पत्थरों के घर, पक्की सड़कें और प्राचीन कारों से भरे हुए हैं। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक पुरानी कारें मिलेंगी। दोस्तों, ये है प्लासियो साल्वो मोंटेवीडियो की शानदार इमारत। इसे ब्लूनस आरियंस में रहने वाले एक अप्रवासी वास्तुकार मारियो पलंती द्वारा डिजाइन किया गया। आपको पता है 1928 में ये बनकर तैयार हुआ। प्लासियो साल्वो एंटीना के साथ 100 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, सांता टेरेसा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी देखने के लिए बेहतरीन जगह है। उरुग्वे में सबसे सुंदर और लोकप्रिय जगहों में से एक। खूबसूरती इतनी कि यहीं रुक जाए। रेतीले समुद्र तट, एक विशाल वन क्षेत्र, एनिमल्स लवर्स के लिए बेहतरीन जगह। बहुत सारे पौधे भी मिलेंगे यहाँ पर, उनकी बहुत सारी वैरायटी। ग्रीन हाउस और स्पैनिश औपनिवेशिक काल में संता टेरेसा का इतिहास जानने लायक है। तो समय मिले तो यहाँ जरूर आइएगा। और हाँ दोस्तों, साल्टो, डोंट मिस इट। साल्टो उरुग्वे का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यदि आप रसीले संतरे और सबसे ताजी ब्लूबेरी खाना चाहते हैं तो यहाँ आइए। साल्टो का दौरा करना तो बनता है। गर्म झरने के लिए भी ये जगह जानी जाती है और हर साल फेमस टूरिज्म प्लेस के रूप में पहचानी भी जाती है। इसी के साथ लार नागा थिएटर, प्लास्टिक कला संग्रहालय और हाँ, यहाँ पर ट्रेडिशनल 18D जूलियो मार्केट सबसे बेहतरीन और पसंदीदा जगह है। आई होप दोस्तों, आपको ये जगह पसंद आई होगी। अगर ये जगह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।